फ्रेंड्स, पीएचपी माइस्कूल सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू अपलोड फाइल ऑन सर्वर यूजिंग पीएचपी। लेकिन इसमें आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूं कि इस कोर्स में हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जितनी मिनिमम चीजें सीखने की जरूरत है वो सब कुछ हम इस कोर्स में कवर कर रहे हैं। हमने इस कोर्स में ऑलरेडी HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP और MySQL को देख लिया है। अभी हम एडवांस PHP के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा ये 9th लेक्चर है। तो यदि आप लोगों ने ये वीडियोस इसके पहले नहीं देखे हों तो आप मेरी वेबसाइट mysurgi.com पे ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हमें सर्वर पे फाइल सेंड करनी है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम HTML फॉर्म बनाते हैं और कोई भी डेटा सर्वर पर भेजते हैं, उसी प्रकार से हम कोई फाइल भी भेज सकते हैं। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक HTML में फॉर्म बनाया। आप जानते हैं वेरियस ओकेजन्स होते हैं जहां पर आपको एक HTML में फॉर्म बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म है, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाते हैं, या रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं तब आप एक फॉर्म फिल करते हैं, कई सारी जगह पर, या आप पेमेंट करते हैं तब भी आप कोई ना कोई फॉर्म फिल करते हैं। तो ये जो फॉर्म आप फिल करते हैं उसमें कई बार आप कुछ फाइल्स भी अपलोड करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में फोटोग्राफ अपलोड करते हैं, कई बार कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ इंफॉर्मेशन डेटा के साथ साथ फाइल भी सर्वर पे सेंड करना चाहते हैं। तो सपोज करिए ये हमारी कोई HTML फाइल है और इसके अंदर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है। इस फॉर्म में बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं, जैसे कि इसमें यूज़र का नाम मांगा जा रहा है, उसका फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है, या और भी कई सारी फील्ड्स हो सकती हैं, उसका जेंडर मांगा जा रहा है, तो रेडियो बटन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही साथ उससे बोला जा रहा है कि वो इमेज अपलोड करे, अपनी फोटोग्राफ अपलोड करे। तो हम ये चाहते हैं कि यूज़र अपने कोई भी फाइल अपलोड कर सके इस फॉर्म के थ्रू। अब वो फोटोग्राफ ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, फाइल कोई सी भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकती है, कैसी भी फाइल हो सकती है। ये फाइल को ब्राउज करने की आप बटन यहाँ पर देखेंगे, मतलब आपने कई बार ऐसा देखा होगा, एक बटन रहती है जब फाइल अपलोड करनी होती है तो आप एक बटन पे क्लिक करते हो तो एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है जो आपके कंप्यूटर की डायरेक्टरीज को दिखा रही होती है, जिसमें कि आप देख पाते हो कि आपके कंप्यूटर में किसी फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स रखी हुई हैं और आप उसमें से कोई सी सेलेक्ट कर लेते हो और वो चीज़ को आप अपलोड कर रहे होते हो, राइट। तो हम ये ब्राउज वाली बटन भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ब्राउज वाली बटन भी बना दी। अब मैं इस फॉर्म को कर देता हूँ सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, ये डेटा कहाँ जाना चाहिए? सर्वर मशीन पे। सर्वर मशीन पे PHP का एक प्रोग्राम है जो रन हो रहा है, ठीक है। PHP का प्रोग्राम है सर्वर मशीन पे। तो इसका मतलब है जब आपने फॉर्म बनाया होगा तो फॉर्म आपको याद है, फॉर्म टैग हम लिखते हैं, ठीक है। फॉर्म टैग के अलावा इसमें एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है। एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है? URL। इसकी वैल्यू क्या होती है? URL। किसका URL? इस PHP फाइल का URL। तभी तो हमारे HTML का फॉर्म सबमिट होकर पूरा डेटा कहाँ जा रहा है? इस PHP फाइल के पास जा रहा है, यानी वेब सर्वर से कह रहा है इस PHP फाइल को रन करो और इसका रिजल्ट मुझे दो। तो ये फॉर्म जो हमने HTML फाइल में बनाया हुआ है, ये हमारी HTML फाइल है, इसके अंदर हमने एक्शन एट्रीब्यूट में इस PHP फाइल का URL लिखा हुआ है और हमने कुछ मेथड भी लिखा होगा। मेथड क्या होगा? तो मेथड इसमें होगा लेट से पोस्ट, क्योंकि हमें फाइल जैसा बड़ा डेटा सेंड करना है तो हम मेथड कभी भी गेट नहीं लिखेंगे, हम हमेशा पोस्ट लिखेंगे। तो ये पोस्ट के थ्रू जा रहा है, पोस्ट के थ्रू जाता है, तो एक खास अंदाज में रिक्वेस्ट प्रिपेयर होती है और रिक्वेस्ट जाती है सर्वर मशीन पे जहाँ पे PHP प्रोग्राम को रन किया जाता है। तो PHP प्रोग्राम के अंदर एक एसोसिएटिव एरे होता है फाइल नाम का, ठीक है, फाइल्स, ठीक है, फाइल्स नाम का। यह एक एसोसिएटिव एरे, और इस एसोसिएटिव एरे का इंडेक्स ये पहले से बना हुआ है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि PHP में कुछ पहले से बने हुए एसोसिएटिव एरेज हैं, जैसे डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ऐसे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ये सब
एसोसिएटिव एरेज हैं, वैसे ही फाइल्स भी एक एसोसिएटिव एरे, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। इसके इंडेक्स के रूप में आप क्या लिखेंगे, ये जो आपने फॉर्म में एक खास एलिमेंट बनाया हुआ है, ये क्या है, ये वो एलिमेंट है जिसके थ्रू आप फाइल इनपुट कर पा रहे हो, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं है, ये इनपुट टैग से ही बन रहा होगा, लेकिन अभी मैं कोडिंग आपको दिखाऊंगा, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपने लिखी होगी फाइल, ठीक है। जैसे आप टाइप एट्रीब्यूट में टेक्स्ट लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, या रेडियो लिखते हैं, या चेकबॉक्स लिखते हैं, जिस तरह का इनपुट एलिमेंट आपको फॉर्म में चाहिए होता है, तो आपको फॉर्म में ऐसा इनपुट एलिमेंट चाहिए जो फाइल इंक्लूड कर सके, इसलिए आपने इनपुट एलिमेंट में टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या लिखी है, फाइल। और डेफिनेटली इसका कुछ नाम भी रखा होगा आपने, तो मान लीजिए आपने नेम रखा है लेट्स से माय फाइल, ठीक, माय फाइल, ये हो गया आपका इनपुट एलिमेंट। तो आपको पीएचपी में अगर इस फाइल को ऑब्टेन करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहां इंडेक्स के रूप में लिखेंगे माय फाइल, जैसा हम डॉलर अंडरस्कोर गेट और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में भी करते हैं। हमें जो भी इनपुट एलिमेंट होता है उसका नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू इंडेक्स के रूप में लिखनी होती है, तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं, फाइल, ठीक है, ओके। अब यही बात मैं आपको आगे स्क्रीन पे समझाना चाहता हूं, लेकिन ये पूरा ओवरव्यू आपको मिल गया है। इस तरीके से पीएचपी में उस फाइल को हम ऑब्टेन कर लेंगे, लेकिन उस फाइल को फिर एक्सेस कैसे करेंगे वो सब भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो फिलहाल हमें ये समझ में आया कि हम जैसे HTML फॉर्म के जरिए डेटा को सर्वर पे भेजते हैं, वैसे हम फाइल को भी भेज सकते हैं। तो HTML की कोडिंग में आप डेफिनेटली जब इतने सारे इनपुट एलिमेंट्स बना रहे हैं, तो जब मैं प्रॉपर एग्जांपल लूंगा तो उसमें बहुत सारे इनपुट एलिमेंट बना सकता हूं, लेकिन हमारा फोकस अभी सिर्फ किस बात पे है, उस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट पर हमारा फोकस है जिसके थ्रू फाइल हम अपलोड कर पाएंगे सर्वर पे। तो बाकी सबको इग्नोर करते हुए हमने देखा कि फॉर्म टैग किस तरीके से लगाया जाएगा। फॉर्म टैग लगाया, उसके एक्शन एट्रीब्यूट में हमने कोई पीएचपी फाइल का नाम लिखा हुआ है, ये मान लीजिए कि ये जो फाइल है यही अपलोड डॉट पीएचपी फाइल है, और इसमें मेथड लिखा हुआ है पोस्ट। अच्छा, इनक्रिप्शन टाइप की तीन पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, जिसमें से जब भी आप फाइल अपलोड करें या फाइल सेंड करते हैं तो हमेशा आप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा ही इनक्रिप्शन टाइप रखें। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे इनपुट एलिमेंट्स होंगे, लेकिन खास तौर पे उस इनपुट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ जो फाइल लेके जाएगा। तो इसमें टाइप की वैल्यू फाइल लिख ली, और नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था माय फाइल रख लो, यहाँ मैंने फाइल ही रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम माय फाइल भी कर सकते हैं इसको। और एक सबमिट बटन, जैसे कि बनाते ही हम, तो ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म का डेटा सबमिट होगा। अच्छा, पीएचपी की कोडिंग में क्या करना होगा, पीएचपी की कोडिंग में आपको फाइल्स नाम का एसोसिएटिव एरे यूज करना होगा, और उसके इंडेक्स में आपको क्या लिखना होगा, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, कौन से नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, जो आपने यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर जैसे फाइल लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, फाइल। तो इससे क्या हुआ, फाइल वाला डेटा अब यहाँ डॉलर एफ से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये डॉलर एफ जो है ना, ये भी एक तरह का एरे है, और एरे होने का मतलब ये फाइल का, फाइल के बारे में तरह तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे फाइल का साइज क्या है, फाइल का नाम क्या है, ठीक है ना, फाइल से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन सभी इस एफ नाम के एरे में आ जाएगी। ये नाम आप एफ रखें या कुछ और रखें, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, और भी जो काम करना है आपको आप कर सकते हैं, जैसे फाइल का नाम आपको चेक करना है, या उसका टाइप चेक करना है, उसका साइज चेक करना है, वो सब कोडिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, सर्वर पे इसको कहीं स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। तो जो भी फाइल अभी सर्वर पे पहुंची है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जो सर्वर है ना, ये मान लीजिए सर्वर है, ठीक है, इस सर्वर के पास ये फाइल पहुंची, डेटा पहुंचा है, तो अभी ये टेम्परेरी लोकेशन में ये फाइल स्टोर हो गई है, टेम्परेरी लोकेशन में। और हमारे इस पीएचपी की कोडिंग में कहीं पर एक फंक्शन लिखा हुआ है, कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल, ठीक है। तो इस फंक्शन के चलने से क्या होगा, ये जो सर्वर पे फाइल रखी हुई है,
ये यहाँ से मूव करके सर्वर में किसी हमारे द्वारा तय किए गए फोल्डर के अंदर चली जाएगी। बस ये हम चाहते हैं। मतलब ये जो टेम्परेरी लोकेशन पे फाइल रखी है ना, अगर पीएचपी के कोड में मैं इस फाइल को हैंडल नहीं करूँगा तो ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बात समझ आई? आपके फॉर्म के डेटा के रूप में ये फाइल सर्वर पे गई पर टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर हुई। अब अगर आपका पीएचपी का फंक्शन कौन सा मूव अपलोडेड फाइल नहीं चलेगा तो ये फाइल ऑटोमेटिकली यहां से रिमूव हो जाएगी टेम्परेरी लोकेशन में थी। और अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसकी मदद से आप इस फाइल को टेम्परेरी लोकेशन से मूव करा के कहां पहुंचा सकते हैं, सर्वर पे जिस लोकेशन पे आप चाहते हैं। जो भी फोल्डर आपने निश्चित किया होगा कि यूजर जब भी ये फाइल अपलोड करेगा तो मुझे इसको यहां स्टोर करना है, तो वहां स्टोर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, दो आर्ग्यूमेंट्स पास करें। अगर आप नोटिस करें तो इस फंक्शन में पहला आर्ग्यूमेंट जो पास किया है वो क्या है, वो इस फाइल का नाम है, मतलब टेम्प नेम। ये एक्चुअल में उस पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टेम्परेरी लोकेशन में फाइल मौजूद है। तो पहला आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल प्रेजेंटेड इन टेम्परेरी लोकेशन ऑन द सर्वर, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, वो पाथ जहां पे फाइल को आप स्टोर करना है। तो मैंने कहा एक फोटोज नाम का फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर इस पर्टिकुलर नाम से फाइल स्टोर हो जाए। किस नाम से? जो फाइल का एक्चुअल नेम है उसी नाम से स्टोर। आप चाहें तो यह नाम चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, डॉलर अंडरस्कोर डॉलर एफ क्या है, फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने कहा था डॉलर एफ क्या है, एक एरे है, और इस एरे के अलग अलग इंडेक्सेस फाइल के अलग अलग इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इंडेक्स लिखा है नेम, तो इसका मतलब ये फाइल के नाम को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे फाइल का नाम है abc.jpg, तो ये क्या हो जाएगा, abc.jpg। तो फाइल टेम्परेरी लोकेशन से मूव होके कहाँ चली गई, फोटोज फोल्डर के अंदर abc.jpg नाम से सेव हो गई है, फोटोज फोल्डर के अंदर। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब डेफिनेटली आप लोग चाहेंगे कि इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल भी हो, यानी अभी तो मैंने एक बेसिक कोड बता दिया, बस मैंने उतना टू द पॉइंट कोड बताया जितना कि रिक्वायर्ड होता है। पर अब इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप ये चेक करना चाहें कि हम सिर्फ फोटो अपलोड करवाना चाहते हैं। अब यूज़र ने मान लीजिए फोटो अपलोड नहीं करी है, मान लीजिए मुझे जेपीजी फॉर्मेट की फ़ोटो चाहिए, तो अब जेपीजी फॉर्मेट की फ़ोटो नहीं है तो फिर वो सेव नहीं होनी चाहिए सर्वर पे, या एक निश्चित साइज से ज़्यादा की फ़ोटोज़ हम अलाउ नहीं करेंगे। कई जगह आपने देखा होगा आप फोटो अपलोड करते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कि नहीं भाई ये 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए फ़ोटो, या 300 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए फ़ोटो। तो ये भी हम चेक करना चाहेंगे कि कितना साइज़ है फाइल का, और इस अगर इतना साइज़ है, एक निश्चित साइज़ से कम है साइज़, तो अलाउ करेंगे हम सेव करना, अदरवाइज सेव अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ कोड हम लोग लिखना चाहेंगे, तो हमें डेफिनेटली यहाँ बीच में और भी कुछ कोडिंग करनी चाहिए ताकि ये कोड थोड़ा सा मीनिंगफुल बने। पर वो एक प्रॉपर एग्जाम्पल होगा जो मैं आगे के वीडियोस में आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है कि फाइल कैसे अपलोड होती है और कैसे सर्वर पे आपके बताए हुए लोकेशन पर सेव हो जाती है। अब यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस देखने हैं जो कि इस चैनल पर मौजूद नहीं है, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर रखे हुए हैं, तो आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysurgi.com। एक तो आपको पता चल जाएगा मैंने कितने वीडियोस पब्लिश किए हैं, वो सारे इधर हैं। दूसरा, आपको इसमें डेली एक नया वीडियो मिल जाता है, सारे वीडियोस हिंदी में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है जो आपके बेहद काम का है और आपको उसकी ज़रूरत है। तो आप इस साइट को एक बार विजिट जरूर करें, और पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाहिए, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, और क्योंकि ये फ्री में है तो आप अगर लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो ये उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। थैंक यू।